चले शवा चले जा माता के। आप लोग देख रहे हैं माता मचेल यात्रा 2018। जब पूरी यात्रा संपूर्ण होती है तो हमारे पास जो हम पहुंचते हैं माता मचेल देवी जी के दर्शन के लिए, और ये माता मचेल देवी जी का वो पावन धाम है जहां पर सब लोग आके जो है दर्शन करते हैं माता मचेल देवी के। और आप देख सकते हैं यही वो दिव्य दर्शन है जहाँ पर आकर आप जो है अपनी पूरी जितनी भी मनोकामनाएं हैं संपूर्ण करते हैं। ये सामने जो आप दर्शन देख रहे हैं यहीं पर जो है माता रानी जो है अपने भव्य दर्शन देती है। किसी को जो है यहाँ पर माता रानी के घुंघरू हिलते हुए नज़र आते हैं, किसी को जो है यहाँ पर जो पूरा ये जो सिंहासन है वो भी हिलता हुआ नज़र आता है। और ये एक ऐसे दिव्य दर्शन है जो जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आपको माता रानी के दिव्य दर्शन यहाँ मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लगभग 30 किलोमीटर की लंबी यात्रा ख़त्म करके जब यहाँ लोग पहुँचते हैं तो यहाँ उसके बाद दर्शन होते हैं माता मचेल देवी के। माता मचेल देवी के दर्शन पाकर जितने भी लोग हैं उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। और आपको हम इस टाइम पहली बार जेके मीडिया पर दर्शन करवा रहे हैं माता मचेल देवी जी के। माता मचेल देवी जी की बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर आके जब माथा टेकते हैं और यहाँ पर आके जो भी मन की मुरादें मांगते हैं उनकी मन की मुरादें ज़रूर पूर्ण होती हैं। काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से बड़ी यात्रा है, लेकिन जब आप आखिर में इस भवन में पहुँचते हैं तो इस भवन में पहुँचने के बाद आपकी जितनी भी थकावट होती है वो सब थकावट जो है ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर दर्शन होते हैं, दिव्य दर्शन होते हैं माता रानी के। ये भी कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है चमत्कार भी दिखाती है माता रानी। मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये सब जो घुंघरू हैं ये हिलते हुए नज़र आते हैं, यही दिव्य दर्शन है माता रानी के। नीचे अगर आपको दिखाएँ माता रानी की जो मूर्ति है, इस मूर्ति के ऊपर जो है ये अलग अलग जितने भी जेवर माता रानी को डालेंगे ये सारे जेवर जो है हिलते हुए नज़र आते हैं। ये दिव्य दर्शन है यहाँ पर माता रानी के। और जो हम आपको इस टाइम लाइव दर्शन करवा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के, माता चंडी यानी कि माता मचेल देवी के मंदिर से, आशीष कोली जेके मीडिया के लिए।